हाय गाइस, बड़े दिनों से आप लोगों की एक क्वेरी आ रही थी और उस क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए आपका एक ये शॉर्ट सेशन है जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी, जो भी बच्चे ऐसे हैं या फिर जो महान विभूति टाइप के बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि एसएससी में सीजीएल का सिलेबस अलग होता है, जेई का सिलेबस अलग होता है, एमटीएस का अलग होता है, सीएचएसएल का अलग होता है, या जो बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि यही जो सिलेबस है जिसके बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं, ये सिलेबस रेलवे के लिए अलग हो जाएगा, दिल्ली के लिए अलग हो जाएगा, और पेट के लिए अलग है और सीटी के लिए अलग है, तो जरा इन सब चीजों का जवाब जो है वो है नहीं, सबके लिए सेम है। पहली चीज तो ये, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी भी अपना सिलेबस चेक ही नहीं करते हैं, उन्हें आज तक अपने सिलेबस से मतलब ही नहीं होता है। कभी देखिएगा, कभी पूछिएगा यूपीएससी एस्पिरेंट्स को, जरा कभी देखिएगा, कभी उनसे चीजों को सीखने की कोशिश किया करिए कि उनको अपना सिलेबस जो है ना वो रटा होता है। क्यों रटा होता है? क्योंकि चीजें इतनी सारी हैं, अगर हम सब कुछ पढ़ने बैठ गए तब तो हो चुका है ना। तो पहली चीज ये है कि आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का, जो अभी यहाँ पे एक पार्ट ऐड जो हुआ है टीयर टू के अंदर, वो है जीएस। ओके, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कशन सिर्फ इतना करने वाले हैं कि आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो नेक्स्ट वीक हम कवर करने वाले हैं, और वो आपके हर एग्जाम को कवर करेगा। जब मैं आपका हर एग्जाम बोल दूं तो आप समझ जाइएगा ऑल, मुझे बड़ा डर लगता है। पता है, अभी जब ये वीडियो अपलोड होगा उसके बाद भी वीडियो के नीचे कुछ आएंगे, मैम पीटी के लिए कुछ बताइए ना, मतलब दे डोंट अंडरस्टैंड, उन्हें इस ऑल का मतलब ही समझ में नहीं आता है। प्रभु मेरे, ऑल का मतलब ये है, ऑल यानी कि जितने भी पेपर होते हैं उसके अंदर जीएस, करेंट अफेयर्स, जीके बदलती नहीं है। ठीक है, अगर मोदी जी पीएम है तो बेटा वही पीएम है, अगर प्रेसिडेंट जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं तो बेटा रेलवे में भी वही रहेंगी, एसएससी में भी वही रहेंगी, पेट में भी वही रहेंगी और सीटी में भी वही रहेंगी, वो बदल नहीं जाएंगी। अगर अमेंडमेंट जो टोटल है वो 105 है तो रेलवे में भी 105 रहेंगे, एसएससी में भी 105 रहेंगे और आगे भी 105 रहेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो पहले तो तुम ये समझ लो कि भैया सिलेबस सेम होता है। ठीक, अब मैं आपको यहाँ पे टॉपिक्स बता दूं कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं अपने स्पेशल क्लास में। ठीक है, बहुत ही ध्यान से इत्मीनान से इस बात को सुनिएगा कि अगले हफ्ते से 10:15 बजे जो आपका क्लास हो रहा है अन अकेडमी पे, उसमें आपके कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, जो आपके टॉपिक कवर किए जाएंगे ये आपके थ्योरी बेस्ड होने वाले हैं, कोई एमसीक्यू नहीं होगा, कोई पोल नहीं होगा, दे विल बी थ्योरी बेस्ड टॉपिक, और ये आपके हर पेपर के लिए होगा। ठीक है, यह आपके हर पेपर के लिए होगा। अब सवाल ये आता है कि मैम कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आप कवर करने वाले हो। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, बट हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है ना, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है। तो पहले मैं आपको जीके के टॉपिक्स बता दूं जो हम लोग का कंटिन्यूएशन में 2 हफ्ते तक चलेगा। ठीक, कब से कब तक चलेगा, तो ये मंडे से लेकर, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, मंडे से लेके सैटरडे तक आपका ये शेड्यूल चलेगा। समय कितना रहेगा, सुबह 10:15 बजे कहाँ पर होगा, अन एकेडमी पे ये क्लास आपका कंडक्ट किया जाएगा। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं जरा उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। जो टॉपिक्स थ्योरी में आपके लिए यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं, इसमें सबसे पहला टॉपिक जो आएगा वो आएगा आपका सीएम, मिनिस्टर्स एंड स्टेट मिनिस्टर्स। आधे बच्चों को नहीं पता होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स। ठीक है, तो ये आपका थ्योरी के पार्ट पे रहने वाला है जहां पे हम पढ़ेंगे सीएम, मिनिस्टर्स एंड स्टेट मिनिस्टर्स। मिनिस्टर से मेरा मतलब है कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये आपका सबसे पहला टॉपिक होने वाला है। दूसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे, दूसरा टॉपिक जो आपका यहाँ पर होगा जीके के पार्ट पे वो होगा इम्पॉर्टेंट कमिटीज। 2021 से लेके 2022 तक जितनी भी कमिटीज अभी सुर्खियों में रही हैं,
वो सारी की सारी कमिटीज आपको थ्योरी के फॉर्म में यहाँ पर पढ़ा दी जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा, अगला टॉपिक यहाँ से आएगा प्लेसेस इन न्यूज। क्या प्लेसेस इन न्यूज? इसके अंदर आपके ज्योग्राफिकल प्लेसेस जितनी भी हैं, चाहे वो इंडिया की हो या ऑल ओवर द वर्ल्ड की हो, इन सभी को यहाँ पे कवर किया जाएगा, जहाँ पे आपके साथ में मैप भी होगा और प्लेसेस जो हैं वो प्लेसेस भी होने वाली हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे जीके में जो आने जा रहा है वो आपका होगा इम्पोर्टेंट टेम्पल्स, जो अभी सुर्खियों में रहे हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स जो अभी सुर्खियों में रहे हैं, एंड इम्पोर्टेंट रामसर साइट्स जो अभी हाल ही में बढ़ गई हैं। तो ये पूरा टॉपिक आपका एक साथ रहने वाला है, ये भी पूरा का पूरा थ्योरी में रहेगा। अगर कोई टॉपिक छूट जाए तो वो आप वीडियो के नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है, फिर उसको हम कवर कर लेंगे, नॉट टू वरी। अगला पॉइंट जो यहाँ से आएगा आपके जीके में, वो आपका टॉपिक क्या निकल के आएगा, कमिटीज हो गए, अपॉइंटमेंट्स। ये जो अपॉइंटमेंट्स होंगे, इसके अंदर जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, उनको भी कवर किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आएगा स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, ये वाला टॉपिक आपका कवर होगा। वैसे मैंने इसमें से काफी सारे टॉपिक ऐसे हैं जो पढ़ाए भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने इन टॉपिक्स को पढ़ाया नहीं है, बट जब हम पढ़ाते हैं तो भाई साहब का आता पता नहीं रहता था, तब तो होश आता नहीं है, और जब एग्जामिनर यहाँ पे सिलेबस ही चेंज कर देता है तब मैम की याद आती है ना, फिर होता क्या है, मैम अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब तो मैम कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया, मैम अब क्या पढ़ूं और क्या ना पढ़ूं, सबसे बड़ा सवाल। तो भाई दोबारा से ये टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, जो पढ़ चुके हैं वेल एंड गुड, रिविजन है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए एक बारी फिर से ये टॉपिक आपके सामने रहने वाले हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला जो यहाँ पर आपके लिए टॉपिक रहेगा, क्योंकि दो हफ्ते चलेगा ना, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, अगला टॉपिक जो आपके जीके के पार्ट पर आएगा वो आपका कौन सा होने वाला है, इम्पोर्टेंट स्कीम्स। इस पे हम एमसीक्यू करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स होंगी ये 2021 और 2022 की होने वाली है, और ये स्टेट वाइज रहेगी, क्या रहेगी, स्टेट वाइज आपको ये स्कीम्स मिलेंगी। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका बनेगा वो हो जाएगा आपका, देखो जीके में वैसे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं है, है ना, जिनकी कोई लिमिट नहीं है, अपार है, नो लिमिट। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आएगा वो है नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप बोलेंगे कि इसमें क्या पढ़ना है, देखो टीयर वन और टीयर टू जब इन दोनों की हम बात कर रहे हैं ना, तो हम दोनों का बैलेंस बना के चलेंगे। टीयर टू में ऑब्वियसली बात है कि जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो आपसे बच्चों वाले सवाल तो नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड किया जाएगा और एक स्टेप ऊपर जाया जाएगा। सपोज करिए कि कोई नेशनल पार्क है जो सुर्खियों में है, न्यूज में चल रहा है, अब वो आपसे टीयर वन में अगर नेशनल पार्क पूछ चुका है कि कौन से स्टेट में है, तो टीयर टू में वो आपसे पूछेगा वहां पे कौन सी स्पीशीज पाई जाती है, वहां पे किस तरीके का वेजिटेशन है, वहां पे नियर अबाउट कौन कौन से आपको लोकेलिटीज मिलेंगी, वहां पे कौन सी आपको ट्राइब मिलेगी, इस तरीके से क्वेश्चन के लेवल को अप किया जाएगा। अब ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, यहाँ मिलेंगी जब हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका बुक्स एंड ऑथर। भाई साहब मुझे तो तारीख भी याद है, मैंने कब पढ़ाया था, रक्षाबंधन पे पढ़ाया था सुबह 5 बजे। तो जिन बच्चों ने बुक्स एंड ऑथर नहीं पढ़ा है, चाहे तो आप वहां से पढ़ लें, या फिर बिल्कुल एंड में जाके हम एक बार ये टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, आप चाहें तो वहां से पढ़ लें। तो ये तो वो टॉपिक्स हैं जो आपके दो हफ्ते में कवर किए जाएंगे, लेकिन उसके अलावा जिन बच्चों को बाकी शेड्यूल नहीं पता है वो भी एक बार इसे बता दें, सितंबर का, ओनली फॉर सितंबर, ठीक है। सुनिएगा, सुबह 7 बजे तो आपका करेंट अफेयर्स लाइव होता ही है, यहाँ तो आपको मैंडेटरी है कि पहुंचना ही पहुंचना है, यूट्यूब पे होता है। सुबह 5 बजे का जो आपका क्लास मंडे से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो 2021 का करंट अफेयर का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट आपका 9 बजे पेड क्लास होता है, जो बच्चे पेड के हैं वो यहाँ पर आएंगे। 10:15 का टॉपिक मैंने आपको अभी 2 स्लाइड्स में लिख के बता दिया है। उसके बाद में 12 बजे आपका जीके चल रहा है, या आई थिंक 1 या 2 ही हफ्ते और चलेगा, उसके बाद में ये बंद हो जाएगा, क्योंकि ये आपका रेलवे के बेसिस पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये क्या है, क्वेश्चंस हैं,
ये क्या स्टार्ट हो रहा है, थ्योरी स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट सुनिएगा, शाम को 4 बजे का जो क्लास होता है ये 3 बजे किया गया है। यहाँ पे आपके लिए जो सवाल है दे आर बेस्ड ऑन ज्योग्राफी, किसके बेसिस पे है, ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगला शाम को 8 बजे जो आपका चल रहा है वो आपका एनसीईआरटी की किताब से क्वेश्चंस को कराया जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। तो आप इन सबको एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिएगा सो दैट आपका कोई भी जो क्लास है वो स्किप ना हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी आपसे मिलेंगे कब, सुबह 7 बजे के सेशन में। जो बच्चे ऐसे हैं जिनका क्लास स्किप हो जाता है या फिर उनको क्लासेस के लिंक नहीं मिल पाते हैं, भाई टेलीग्राम ज्वाइन करिए सो दैट आपको लिंक यहाँ से मिल पाए। जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज तक पेड बैच को ज्वाइन नहीं किया है और खुद से उन्होंने सेल्फ स्टडी भी नहीं की है, तो आपके लिए पेड बैच जो है ये एक बार फिर से लॉन्च हुआ है नया वाला, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। 22 तारीख से शुरू हुआ है, जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो, इको और आपका साइंस, इन सबको कवर किया जाएगा। प्राइस हाइक आपका जल्दी होने ही वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट आप टाइमली यहाँ पर अमाउंट को क्या थोड़ा सा बचा पाओगे। ये आपका टेस्ट रहेगा, 25 सितंबर को ये टेस्ट होगा। जब आप यहाँ पे रैंकर्स बैच को ज्वाइन करोगे तो इसके साथ में आपको स्टेनो का बैच भी मिलेगा, आपको ये वाला बैच भी मिलेगा, यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर आपको एसएससी के सारे बैचेस एक ही बार में मिल जाएंगे एंड द कोड विल बी प्रति 10, जिसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो आप वन टाइम पेमेंट या ईएमआई के थ्रू भी अपने बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं आपको इसी शेड्यूल के साथ में। इस शेड्यूल को अपनी जो भी आपने प्लानर बनाया उसके साथ में एडजस्ट करिएगा सो दैट आपका सेल्फ स्टडी भी होता रहे और क्लासेस भी पैरेलल में होती रहे। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।